हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहित। आई एम अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ एनाटॉमी दैट इज़ द रेक्टस शीथ। तो रेक्टस शीथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एब्डोमन की एनाटॉमी का। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं एब्डोमन एनाटॉमी जस्ट अभी स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने एब्डोमन के मोस्टली टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर रखे हैं। अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी हो एब्डोमन की एनाटॉमी की, तो आप मेरे चैनल का जो प्लेलिस्ट का सेक्शन है उसमें जाके एब्डोमन वाले सेक्शन में आपको सारी एब्डोमन की वीडियोस मोस्टली मिल जाएंगी। ठीक है, मोस्टली टॉपिक्स मेन मेन मैंने कवर कर रखे हैं और जो नहीं हो रखे हैं वो धीरे धीरे मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकेंड थिंग, नोट्स के बारे में बताऊँ तो जो भी मेरे नोट्स हैं, चाहे वो इस वीडियो के नोट्स हो या प्रीवियस किसी भी वीडियो के नोट्स हो, तो उसके लिए आप टेलीग्राम पे सर्च करो एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस, सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो ओपन नहीं हो रहा है। तो वो अगर ओपन ना हो तो डायरेक्ट टेलीग्राम खोलो और टेलीग्राम पे सर्च करो एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस, सारे नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले रेक्टस शीट, और रेक्टस शीट में हम टोटल मेनली मेरे पांच टॉपिक्स होंगे जो मैं कवर करने वाला हूँ। नंबर वन हम बात करेंगे उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। नंबर टू हम उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जो एंटीरियर वॉल पोस्टीरियर वॉल है उसके जनरल फीचर्स बताऊंगा मैं। थर्ड है उसका सबसे मेजर पोर्शन, वो है उसकी फॉर्मेशन, कैसे फॉर्म हुई है रेक्टस शीथ। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, जो है उसका कंटेंट। और फाइनली हम फिफ्थ पॉइंट पे बात करेंगे जो है फंक्शन ऑफ रेक्टस शीथ। तो इन पांच पॉइंट को इस वीडियो में कवर करेंगे और इसी वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे रेक्टस शीथ की एनाटॉमी। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहता हूं जो मोस्टली स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर नीट पीजी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, या फिर मैं अपने नीट पीजी की प्रिपरेशन कैसे कर रहा हूं। तो उसके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं एक ऐप के साथ जो है प्रेप लैडर। तो प्रेप लैडर इज़ अ वेरी गुड ऐप फॉर नीट पीजी प्रिपरेशन एज वेल एज द प्रोफेशनल एग्जाम्स प्रिपरेशन। रिसेंट में ही प्रेप लैडर ने लॉन्च किया है अपना एक नया ड्रीम पैक, ड्रीम पैक 4.0, जिसमें उनके जो नए जो अपडेटेड वीडियो लेक्चर्स हैं वो आए हैं, अपडेटेड नोट्स आए हैं, सब कुछ अपडेट किया है जो कि नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर। तो इस पैक में जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो अपडेट हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्प एंड कंसाइज हैं वीडियो लेक्चर्स। और इसमें जो वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे उसमें आपको वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज इंडिया की पढ़ाएंगी, जैसे कि डॉक्टर दीपक मारवा सर हो गए, डॉक्टर गोविंद राय सर गर्ग सर हो गए, तो ये सब टीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। और जो स्ट्राइक रेट है प्रेप लैडर ऐप का वो इतना मस्त है ना, मैं आपको बताऊं जो लास्ट ईयर जो नीट पीजी 2021 का जो स्ट्राइक रेट बताऊं तो वो 89% है इनका, और INICET जो हुआ था जुलाई 2021 में उसमें इनका स्ट्राइक रेट 85% था। इसके अलावा अगर बात करें नोट्स की तो प्रेप लैडर के जो नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया हो गए हैं इस अपडेट के बाद, जिसमें आपको डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलेंगे। नोट्स में आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी, लाइक डिफरेंट फीचर्स जो मेरे को बहुत अच्छे लगे, लाइक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अलग बॉक्स, हाउ टू रिमेंबर का अलग बॉक्स। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको याद करने में बिल्कुल ईजिली आपको याद रहेंगी चीज़ें इसकी मदद से। उसके अलावा बात करें क्वेश्चन बैंक की, तो क्वेश्चन बैंक में भी आपको अलग अलग फीचर्स देखने को मिलेंगे, लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट टॉपिक्स के आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें डिफरेंट फीचर्स हैं, जैसे ट्रेजर्स अटैच कर दिए गए हैं, हर एक क्वेश्चन के बाद उसका एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप सही करो या गलत आपको एक्सप्लेनेशन देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग फीचर्स हैं क्वेश्चन बैंक्स के। अभी भी विश्वास नहीं हुआ ना मेरी बात पे, तो आप खुद जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, खुद ऐप को डाउनलोड करो और रिव्यू करो अपने आप से, और फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं गलत बोल रहा था या सही। ठीक है, सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड द प्रेप लैडर ऐप एंड स्टार्ट योर नीट पीजी प्रिपरेशन नाउ। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रेक्टस शीथ। तो रेक्टस शीथ की मैं बात करूँ तो ये एक बार समझ लो कि किसी ओबीस पर्सन का पेट है। ठीक है, तो बहुत ही मोटा आदमी है, एब्स वैब्स नहीं है उसके, तो ये उसकी स्किन है। ठीक है, बाहर की तरफ स्किन है, ये उसकी अम्बेलिकस हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है ये है रेक्टस शीथ। तो ये एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ है, और पीछे की तरफ जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है डार्क ग्रीन कलर में, ये है पोस्टीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ। तो इन दोनों के बीच में ये मैंने क्या बना रखा है, तो ये जो है ये एक मसल है जिसको हम बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनिस। तो रेक्टस एब्डोमिनिस हमारे जो एब्डोमन वाला पार्ट है वहाँ पे एक मसल होती है, बहुत ही बड़ी मसल होती है, दो हेड्स होते हैं इसके, रेक्टस एब्डोमिनिस उसको बोलते हैं। और इस रेक्टस एब्डोमिनिस को एक शीथ कवर करती है आगे से भी और पीछे से भी, जिसको हम बोलते हैं रेक्टस शीथ। तो नाम रेक्टस शीथ इसी वजह से पड़ा है क्योंकि रेक्टस एब्डोमिनिस को कवर करती है, आगे से भी कवर करती है और पीछे से भी कवर करती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो रेक्टस शीथ एक एपोन्यूरोटिक शीथ है, तो सबसे पहला डाउट तो यही आ जाता है कि एपोन्यूरोसिस का क्या मतलब हुआ। तो आपने सुना होगा कि कुछ मसल्स होती हैं उनका एंड में जाके एक टेंडन बन जाता है। ठीक है, मसल आगे जाके एक टेंडन बना के अपना इंसर्ट हो जाती हैं, लेकिन कुछ मसल्स होती हैं जो टेंडन बनाने के बजाय एक बहुत ही ज़्यादा फ्लैट एक उनका इंसर्शन होता है, बहुत ही फ्लैट एक ऐसे
इतना फ्लैट हो जाएंगी। टेंडन तो मान लो ये उंगली मेरा एक टेंडन बन गई, लेकिन मान लो ये ऐसे इतना फ्लैट अगर कोई मसल आगे जाके एंड होती है तो उसको हम बोलते हैं एपोन्यूरोसिस। तो ये एक एपोन्यूरोटिक शीथ है। क्यों एपोन्यूरोटिक शीथ है? क्योंकि रेक्टस शीथ जो है वो बहुत सारी मसल्स की एपोन्यूरोसिस से बनी हुई है। जैसे हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, इंटरनल ओब्लिक मसल, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, तो ये तीन मसल्स मेनली आएंगी। इन मसल्स का जो आगे जाके जो ये इंसर्ट होती हैं, तो ये एक एपोन्यूरोसिस की फॉर्म में इंसर्ट, मतलब एपोन्यूरोसिस की फॉर्म में ये इंसर्शन होता है इनका, तो उसी वजह से शीथ बनती है एपोन्यूरोटिक शीथ। तो एपोन्यूरोटिक शीथ क्यों है? क्योंकि ये इन तीन मसल्स की बेसिकली एपोन्यूरोसिस से बनी हुई है। कैसे फॉर्मेशन हुई है उसकी बात बाद में करेंगे। कवर करती है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को। उसके अलावा ये दो वॉल्स होती हैं, ये भी मैंने आपको दिखा दी। एक होती है इसकी एंटीरियर वॉल, एक होती है पोस्टीरियर वॉल, जो डार्क ग्रीन कलर में ये इसकी वॉल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके फीचर्स के साथ। तो हमारे पास दो वॉल्स हैं, एक एंटीरियर वॉल और एक पोस्टीरियर वॉल। सिंपल सी बात है, एंटीरियर वॉल मेरे पेट के आगे वाले हिस्से को कवर करेगी, मतलब रेक्टस एब्डोमिनिस के आगे वाले हिस्से को, और पोस्टीरियर वॉल जो है वो रेक्टस एब्डोमिनिस के पीछे वाले हिस्से को कवर करेगी। तो कुछ डिफरेंस है दोनों वॉल्स के अंदर, जो आपको डायग्राम से भी दिखाई दे ही गया होगा। ये हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल थी। आगे की तरफ जो डार्क ग्रीन में, ये रेक्टस शीथ की एंटीरियर वॉल है। तो ये रेक्टस एब्डोमिनिस को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कवर कर रही है। तो एंटीरियर वॉल जो है वो रेक्टस एब्डोमिनिस को पूरा कवर करती है, लेकिन पोस्टीरियर वॉल अगर बात करोगे तो वो सिर्फ मैंने इतने से पार्ट में बनाई है, ना इसके ऊपर बनाई ना इसके नीचे बनाई। मतलब जो पोस्टीरियर वॉल है वो सिर्फ इतने से पार्ट को कवर करती है। तो पोस्टीरियर वॉल डोंट कवर होल ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनिस। एंटीरियर वॉल कवर्स होल ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनिस, बट पोस्टीरियर वॉल डोंट कवर होल ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनिस, वो सिर्फ बीच वाले पार्ट में ही कवर करती है। तो इस वजह से हम बात करें फीचर्स में, तो एंटीरियर वॉल इज कम्प्लीट बट पोस्टीरियर वॉल इज इनकम्प्लीट। ठीक, सीधी सी बात है। पहला टॉपिक, पहला जो हमारा पॉइंट था वो हो गया कवर। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट की बात करें तो वेरिएबल कंपोजिशन है, चाहे वो एंटीरियर वॉल हो चाहे पोस्टीरियर वॉल है, दोनों की कंपोजिशन जो है वो वेरिएबल है। अलग अलग मसल्स मिलके बनाती हैं अलग अलग पार्ट्स में, जिसकी बात हम करेंगे आगे आगे तो समझ आ जाएगा। अभी याद रखो कि वेरिएबल कंपोजिशन है। उसके अलावा एंटीरियर वॉल की बात करें तो एंटीरियर वॉल इज फर्मली एडहेरेंट टू द टेंडिनस इंटरसेक्शंस ऑफ द रेक्टस मसल। तो जो एब्स, आपने ना एब्स सुना होगा ना, कुछ बंदों के एब्स होते हैं, तो एब्स कैसे होते हैं? जो हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस है वो जो है कुछ उसमें कुछ इंटरसेक्शंस होते हैं जो बचपन से होते हैं, जो डिवाइड करते हैं रेक्टस एब्डोमिनिस को अलग अलग पार्ट्स में। तो तीन टेंडनस इंटरसेक्शंस बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं। तो ये टेंडनस इंटरसेक्शन सब में होते हैं, लेकिन एब्स बनाना सबके बस की बात नहीं होती, ठीक है। एब्स जो कुछ ही लोग बना पाते हैं एब्स, लेकिन जो टेंडनस इंटरसेक्शन है वो सबके अंदर है। तो एब्स हर कोई बना सकता है बट हर कोई बनाता नहीं है, ठीक है। सो ये जो इंटरसेक्शन जो आपको दिखेंगे, ये वाले जो मैंने तीन ऐसे ऐसे बीच में गड्ढे से बना रखे हैं, ये है हमारे टेंडनस इंटरसेक्शंस। तो अगर आप देखोगे ये सिर्फ एंटीरियर वॉल में ही प्रेजेंट है, मतलब जो रेक्टस एब्डोमिनिस का एंटीरियर पार्ट है उसी में प्रेजेंट है, और जो एंटीरियर वॉल है हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस की वो इन इंटरसेक्शन से जुड़ी हुई है। देखो ये देखो, जुड़ी हुई है दोनों। एंटीरियर वॉल टेंडनस इंटरसेक्शन से जुड़ी हुई है। सो एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शीथ इज फर्मली एडहेरेंट टू द रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। लेकिन पोस्टीरियर वॉल और रेक्टस एब्डोमिनिस के बीच में कोई जॉइंट नहीं है, वो कहीं से भी जुड़ी नहीं हुई। तो यही यहाँ पे थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि एंटीरियर वॉल इज फॉर्मली एडहेरेंट टू द रेक्टस मसल बट पोस्टीरियर वॉल इज फ्री फ्रॉम द रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। तो ये हमारे फीचर्स भी कवर हो गए। एक और यहाँ पे बात बताना चाहूँगा कि जितनी भी एपोन्यूरोसिस हैं वो देखो, मान लो अगर मैं एक आदमी बनाऊँ, ये उसके हाथ हो गए, ये एक आदमी है, ठीक है। उसके कुछ मसल्स इधर से आएंगी, कुछ मसल्स इधर से आएंगी। ये मसल्स के एपोन्यूरोसिस हो रहा है बीच में, ये मैंने जो येलो कलर से ऐसे जो पूरा ज्वाइन कर दिया। तो ये जो मसल्स कुछ इधर से आई हैं, कुछ इधर से आई हैं, दोनों का जो एपोन्यूरोसिस है वो बीच में आके मीट कर गया। वो बीच में आके जो ये मीट करता है इसको हम बोलते हैं लीनिया एल्बा। जो ये मिड लाइन बनी बीच में एपोन्यूरोसिस से, उसको हम बोलते हैं लीनिया एल्बा। एक राइट साइड से कुछ मसल्स आई, कुछ लेफ्ट साइड से मसल्स की एपोन्यूरोसिस आई, दोनों ने मिल के बीच में बना दिया एक लाइन, एपोन्यूरोसिस इन द मिड लाइन, जिसको बोलते हैं लीनिया एल्बा, फ्यूजन ऑफ ऑल द एपोन्यूरोसिस इन द मिड लाइन। तो अब मैं जो है रेक्टस शीथ को तीन पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं, जो हमारे को मदद करेंगे इसकी फॉर्मेशन को याद करने में। तो यहां पे मैं इस तरह से तीन लाइन बना रहा हूं, ठीक है, मतलब दो लाइन बना रहा हूं जो इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। मान लो ये मेरी पूरी एक रेक्टस शीथ है, इसको मैंने बीच में से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब दो लाइन बना दी, जिसकी वजह से तीन पार्ट में बन गई, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। मान लो ये एंटीरियर वॉल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, सामने से देख रहे हैं। तो जो ये फर्स्ट जो ये वाला जो पॉइंट है, ये होता है कोस्टल,
मार्जिन, ठीक है, ये कोस्टल मार्जिन है हमारा। सेकेंड जो पॉइंट है वो है हमारे पास आर्कुएट लाइन, ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास आर्कुएट लाइन। तो कोस्टल मार्जिन और आर्कुएट लाइन ये दो लाइंस हो गई जिसकी मदद से हमारी रेक्टस से तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गई। इस फर्स्ट वाले पार्ट को बोलेंगे हम अबव द कोस्टल मार्जिन, नंबर थ्री को बोलेंगे बिलो द आर्कुएट लाइन। तो आर्कुएट लाइन से नीचे नंबर थ्री हो गया और कोस्टल मार्जिन से ऊपर नंबर वन हो गया, और दोनों के बीच में जो पार्ट हो गया ये मिडल पार्ट, इसको बोलेंगे बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड द आर्कुएट लाइन। तो रेक्टस शीट इसी तरह से डिवाइड होती है। देखो यहाँ पे मैंने कोस्टल कार्टिलेजेस बना रखे हैं, यहाँ पे आके कोस्टल कार्टिलेजेस खत्म हो जाते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक ऐसे मार्जिन बन जाता है। ये जो लाइन मैंने बनाई ये है कोस्टल मार्जिन वाली लाइन, तो इससे ऊपर वाला जो पार्ट होगा ये हो गया अबव द कोस्टल मार्जिन। और यहाँ पे जो मैंने आपको दिखा रखी है ये जो पार्ट बनाया ये है आर्कुएट लाइन, तो ये भी एक लाइन हो गई। इससे नीचे वाला पार्ट क्या हो गया बिलो द आर्कुएट लाइन, और बीच वाला पार्ट हो गया बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड द आर्कुएट लाइन। तो अब फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, दूसरे डायग्राम की मदद से मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे फॉर्मेशन इस वाले डायग्राम की मदद से। उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो फर्स्ट पार्ट की बात करें, ये फर्स्ट पार्ट हो गया अबव द कोस्टल मार्जिन, इसमें आपको एंटीरियर वॉल दिखाई दे रही है लेकिन पोस्टीरियर वॉल नहीं है। मैंने बोला था पोस्टीरियर वॉल सिर्फ बीच वाले पार्ट में है, तो अबव द कोस्टल मार्जिन जो पार्ट है रेक्टस शीट का उसमें सिर्फ एंटीरियर वॉल है, पोस्टीरियर वॉल नहीं है। मिडल वाले पार्ट की बात करें तो उसमें एंटीरियर वॉल भी है और पोस्टीरियर वॉल भी है, तो मतलब बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन हमारे पास एंटीरियर वॉल भी है और पोस्टीरियर वॉल भी है। लेकिन बिलो द आर्कुएट लाइन बात करें तो फिर से एंटीरियर वॉल तो प्रेजेंट है बट पोस्टीरियर वॉल इज डेफिशिएंट अगेन, ठीक है। तो यही मैं आपको बात बताना चाह रहा था कि जो एंटीरियर वॉल है उसमें फर्स्ट पार्ट भी है, सेकंड पार्ट भी है, थर्ड पार्ट भी है, लेकिन जो पोस्टीरियर वॉल है उसमें फर्स्ट और थर्ड पार्ट में पोस्टीरियर वॉल डेफिशिएंट होती है, सिर्फ सेकंड पार्ट में पोस्टीरियर वॉल प्रेजेंट होती है। तो अब बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबव द कोस्टल मार्जिन की बात करते हैं। तो अबव द कोस्टल मार्जिन मैंने आपको बोला कि एंटीरियर वॉल तो है बट पोस्टीरियर वॉल इज डेफिशिएंट, सो एंटीरियर वॉल इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस। मतलब यहाँ पे जो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है उसकी एपोन्यूरोसिस की मदद से हमारी एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीट बनी अबव द कोस्टल मार्जिन। मतलब जो ये वाला पार्ट था इसके ऊपर वाले जो पार्ट में जो एंटीरियर वॉल है रेक्टस शीट की, ये कौन बना रहा है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस, सिर्फ एक मसल की एपोन्यूरोसिस। लेकिन पोस्टीरियर वॉल की बात करें तो वहाँ पे पोस्टीरियर वॉल इज डेफिशिएंट, लेकिन हमें पोस्टीरियर वॉल की जगह पे तीन चीज़ देखने को मिलेंगी जिसके ऊपर हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल रेस्ट कर रही है। वो तीन है हमारे पास कोस्टल कार्टिलेजेस नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। सो अबव द कोस्टल मार्जिन पोस्टीरियरली रेक्टस एब्डोमिनिस मसल रेस्ट ऑन द 5th, 6th and 7th कोस्टल कार्टिलेजेस, एंड एंटीरियरली हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक की एपोन्यूरोसिस हो गई, ठीक है। तो एंटीरियर वॉल इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस बट पोस्टीरियर वॉल इज डेफिशिएंट, बट द रेक्टस मसल रेस्ट डायरेक्टली ऑन द 5th, 6th and 7th कोस्टल कार्टिलेजेस। तो ये हो गया अबव द कोस्टल मार्जिन। तो अब इस वाले डायग्राम में और समझ लेते हैं हम ये वाला जो पार्ट मैंने आपको समझाया है अबव द कोस्टल मार्जिन। तो अबव द कोस्टल मार्जिन ये हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है, ये आगे की तरफ एंटीरियर है, ये पीछे की तरफ पोस्टीरियर है, ठीक है। तो एंटीरियरली हमारे पास देखो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल थी और ये उसका एपोन्यूरोसिस वाला पार्ट है। तो ये एंटीरियर वॉल इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस बट पोस्टीरियर वॉल इज एब्सेंट, एंड रेक्टस एब्डोमिनिस मसल रेस्ट्स डायरेक्टली ऑन 5th, 6th and 7th कोस्टल कार्टिलेजेस। तो ये वाला हो गया अबव द कोस्टल मार्जिन वाला डायग्राम। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की, बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड द आर्कुएट लाइन। तो बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो मसल की एपोन्यूरोसिस आ जाती हैं, एक एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस और इंटरनल ओब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस। तो एक्सटर्नल के बाद यहाँ पे इंटरनल भी आ जाता है, बट एक इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरनल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस का सिर्फ एंटीरियर लेमिना यहाँ पे आता है, ठीक है। पोस्टीरियर वॉल की बात करें तो पोस्टीरियर वॉल में भी इंटरनल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस यहाँ पे देखने को मिलती है, बट उसका पोस्टीरियर लेमिना, एंटीरियर वॉल में एंटीरियर लेमिना ऑफ द इंटरनल ओब्लिक, पोस्टीरियर वॉल में पोस्टीरियर लेमिना ऑफ द इंटरनल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस। उसके अलावा हमारे पास ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल की एपोन्यूरोसिस भी पोस्टीरियर वॉल में आती है बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड द आर्कुएट लाइन। अब ये क्या सिस्टम था ये मैं आपको समझाता हूँ। ये मान लो मेरी इंटरनल ओब्लिक मसल है, ये मेरा एब्डोमन है, ठीक है, और ये इधर की इंटरनल ओब्लिक मसल है, मतलब ये राइट साइड की होगी और ये लेफ्ट साइड की होगी, ठीक है। तो जो इंटरनल ओब्लिक मसल थी इसने यहाँ पे आके अपना जो एपोन्यूरोसिस है वो दिया, तो ये तो हम सामने से देख रहे हैं, तो सामने से तो हमें ये दिख रहा है कि एक ही चीज़ है। लेकिन होता क्या है ना कि जो इंटरनल ओब्लिक मसल का एपोन्यूरोसिस है, ये मान लो रेक्टस एब्डोमिनिस, मैं कट सेक्शन आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है, आर ए लिख रहा हूँ।
तो जो इंटरनल ओब्लिक का जो एपोन्यूरोसिस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक रेक्टस एब्डोमिनिस के ऊपर से चला जाता है और एक रेक्टस एब्डोमिनिस के नीचे से चला जाता है, ठीक है। तो ऊपर से जाता है उसको बोलते हैं एंटीरियर लेमिना ऑफ द इंटरनल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस, और जो पीछे से जाता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर लेमिना ऑफ द इंटरनल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस। तो इस तरह से एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ इज फॉर्म्ड बाय द इंटरनल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस का एंटीरियर लेमिना, एंड पोस्टीरियर वॉल इज फॉर्म्ड बाय द इंटरनल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस का पोस्टीरियर लेमिना। और उसके अलावा एंटीरियर वॉल में एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस तो था ही था, और पोस्टीरियर वॉल में हमारे पास ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल का भी एपोन्यूरोसिस जो है वो आ जाता है। तो इसको भी इस वाले डायग्राम से अगर हम समझे, जो कट सेक्शन वाला डायग्राम है, तो देखो ये रेक्टस एब्डोमिनिस है, इसके आगे से जो जा रहे हैं वो एंटीरियर वॉल में आएंगे, पीछे से जा रहे हैं पोस्टीरियर वॉल में आएंगे। तो ये हमारा बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन है। देखो ऊपर से नीचे क्या होता है ना, कुछ मसल्स आगे से जाती हैं, कुछ फिर नीचे आके वो पीछे से चली जाती हैं, और फिर और नीचे जाके वो फिर से आगे से चली जाती है, पीछे से कुछ नहीं जाता, तो इस वजह से वो डेफिशिएंसी आती है, वो आगे बात करूँगा मैं। सो इसमें अगर आप देखोगे तो रेक्टस एब्डोमिनिस के आगे से हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक का एपोन्यूरोसिस तो था ही था, वो तो पहले से ही चल रहा है, देखो ऊपर भी था यहाँ पे भी है, लेकिन इंटरनल ओब्लिक वाला दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक ऊपर से चला गया एक नीचे से चला गया, ऊपर से चला गया एंटीरियर लेमिना, पीछे से चला गया पोस्टीरियर लेमिना ऑफ इंटरनल ओब्लिक। तो ये हो गया हमारे पास एंटीरियर वॉल बना दी एंटीरियर लेमिना ने, और पोस्टीरियर लेमिना ने पोस्टीरियर वॉल। उसके अलावा पोस्टीरियर वॉल में हमारे पास एक और मसल का एपोन्यूरोसिस आ गया ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, ये ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस का एपोन्यूरोसिस है, और उससे जस्ट नीचे देखोगे तो फाशिया ट्रांसवर्सलिस प्रेजेंट होता है, क्योंकि ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस के नीचे वाला फेशिया है, इसलिए इसको फेशिया ट्रांसवर्सलिस बोलते हैं। तो ये हो गया बिटवीन द आर्कुएट लाइन एंड द कोस्टल मार्जिन। तो सेकेंड पार्ट भी कवर हो गया फॉर्मेशन का, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट में अब तीनों मसल आ जाती हैं एंटीरियर वॉल में। देखो कितनी मस्त बात है, यहाँ पे कितनी मसल थी, एक मसल थी, यहाँ पे दो मसल थी, और यहाँ पे तीन मसल आ गई। एंटीरियर वॉल की बात कर रहा हूँ मैं, तो एंटीरियर वॉल में अबव द कोस्टल मार्जिन सिर्फ एक मसल थी, बिटवीन कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन दो मसल आई, और बिलो द आर्कुएट लाइन तीन मसल आ गई। एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस, इंटरनल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस, अब कोई लेमिना वेमिना नहीं रहा, उसका रीजन भी बताता हूँ, लेमिना खत्म हो गया, अब इंटरनल ओब्लिक का लेमिना वाला सिस्टम खत्म। उसके अलावा जो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस जो यहाँ पे बीच पीछे से जा रही थी, अब वो बिलो द आर्कुएट लाइन में वो भी आगे से चली जाती है, पीछे से कुछ नहीं जाता, खत्म हो गया पोस्टीरियर वॉल यहाँ पे। तो पोस्टीरियर वॉल इज डेफिशिएंट बिलो द आर्कुएट लाइन, और यहाँ पे जो रेक्टस मसल है वो रेस्ट करती है डायरेक्टली फेशिया ट्रांसवर्सलिस के ऊपर। तो इस वाले डायग्राम से समझो, देखो ये हमारा बिलो, ये आर्कुएट लाइन थी, ये उसके नीचे का पार्ट है, ये आर्कुएट लाइन थी उसके नीचे का पार्ट है, बिलो द आर्कुएट लाइन आगे की तरफ है रेक्टस शीट, पीछे की तरफ नहीं है, आगे की तरफ कैसे बन रही है, तीन मसल एक्सटर्नल ओब्लिक इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, तीनों का एपोन्यूरोसिस आगे की तरफ एंटीरियर वॉल बना रहा है, पर पीछे की तरफ कुछ है ही नहीं, पीछे की तरफ देखोगे तो एक ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है ये हमको, और ये क्या है हमारे पास, ये है फेशिया ट्रांसवर्सलिस, जो मैंने बताया था ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस के नीचे वाला फेशिया होता है फेशिया ट्रांसवर्सलिस। तो रेक्टस एब्डोमिनिस डायरेक्टली उसके ऊपर रेस्ट करती है बिलो द आर्कुएट लाइन, ठीक है। तो ये वाला समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने लेमिना वाला सिस्टम जो बताया था वो कैसे ख़त्म हुआ, तो होता क्या है, देखो ये इस वाले डायग्राम पे हम थे, यहाँ फोकस करना, रेक्टस एब्डोमिनिस थी, ये इंटरनल ओब्लिक मसल थी, इसका एंटीरियर लेमिना था, और पीछे की तरफ ये पोस्टीरियर लेमिना था। तो होता क्या है ना, जो पोस्टीरियर लेमिना है ना वो आगे जाके ऐसे कर्व हो जाता है और एंड हो जाता है, और कर्व होके बना देता है आर्कुएट लाइन। तो आर्कुएट लाइन कुछ और नहीं है, जो पोस्टीरियर लेमिना जो था इंटरनल ओब्लिक मसल के एपोन्यूरोसिस का, वही आगे जाके बना देता है आर्कुएट लाइन। तो इस तरह से पोस्टीरियर लेमिना खत्म ही हो जाता है। तो हमने यहाँ पे बिलो द आर्कुएट लाइन में कोई एंटीरियर पोस्टीरियर कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट इंटरनल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस यहाँ पे लिखा है, तो उसका रीज़न यही था। तो समझ आ गया होगा अब तो ये। तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इजी सा ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ मैं, जो आपको याद रखना है 1 2 3 0 2 0, ये याद रखना, ये कोई नंबर नहीं है, किसी का फ़ोन नंबर नहीं बता रहा मैं। 1 2 3 हमारे पास एंटीरियर वॉल है, और 0 2 0 हमारे पास पोस्टीरियर वॉल है, ठीक है। एंटीरियर वॉल मतलब, 1 मतलब अबव द कोस्टल मार्जिन एक मसल है, 2 मतलब बिटवीन द कोस्टल मार्जिन आर्कुएट लाइन दो मसल हैं, और 3 का मतलब है यहाँ पे कि बिलो द आर्कुएट लाइन तीन मसल हैं। तो ये तीनों एंटीरियर वॉल की ट्रिक हो गई, और पोस्टीरियर वॉल में 0 2 0, 0 मतलब अबव द कोस्टल मार्जिन कुछ नहीं है, बिटवीन कोस्टल मार्जिन आर्कुएट लाइन दो मसल है इसलिए 2, और फिर से 0 क्योंकि पोस्टीरियर वॉल मतलब बिलो द आर्कुएट लाइन में पोस्टीरियर वॉल में कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं, लेकिन नेक्स्ट चलने से पहले एक बार डायग्राम और दिखा देता हूँ, ये वाला, ये मैं रह गया था। बिलो द आर्कुएट लाइन देखोगे तो एक्टस एब्डोमिनिस के आगे से जा रही हैं तीनों,
एक्सटर्नल ऑब्लिक भी, इंटरनल ऑब्लिक भी, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, तीनों ही आगे से चली गई, पीछे सिर्फ फेशिया ट्रांसवर्सलिस बचा है, तो ये बिलो द आर्कुएट लाइन। अब नेक्स्ट चलते हैं, आर्कुएट लाइन क्या होती है, तो मिडवे बिटवीन द अम्बिलिकस एंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो आर्कुएट लाइन की पोजीशन क्या होती है, बिटवीन द अम्बिलिकस एंड आर्कुएट लाइन के जस्ट मिडल में, पोस्टीरियर लेमिना ऑफ द एपोनियोसिस ऑफ इंटरनल ऑब्लिक एंड्स इन अ फ्री कर्व्ड मार्जिन, जिसको बोलते हैं आर्कुएट लाइन, ये मैं बता चुका हूँ आपको। और आर्कुएट लाइन के अदर नेम्स है लीनिया सेमी सर्कुलरिस एंड फोल्ड ऑफ डगलस, ठीक है। और आर्कुएट लाइन इस तरह से होती है, कर्व्ड डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ द रेक्टस शीट। तो रेक्टस शीट का देखो सबसे ईजी जो इसमें आपको क्वेश्चन है वो यही है, सबसे पहले कोई पूछे कि कौन सी मसल आती है रेक्टस शीट में, भाई रेक्टस एब्डोमिनिस आती है तभी नाम रेक्टस शीट पड़ा है। उसके अलावा किसी के अंदर अगर पिरामिडलिस मसल है तो वो भी इसके कंटेंट में आती है। तो ये हो गया मसल्स। दो आर्टरीज आती हैं हमारे पास, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, जो आपने डायग्राम में भी देख लिया होगा, एक सेकेंड, हाँ ये वाले डायग्राम में देखो, तो जो ऊपर से ये आर्टरी दिखाई दे रही है जो रेक्टस शीट के अंदर आ रही है वो है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और नीचे से आ रही है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, दोनों यहाँ पे एनेस्टेमोज कर जाते हैं। तो दो आर्टरीज आती हैं कंटेंट ऑफ द रेक्टस शीट में, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक एंड इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक, और जहाँ आर्टरी है वहाँ उनकी वेन्स तो मिलेंगी। तो वेन्स की बात करें तो दो वेन्स बनाती हैं कंटेंट ऑफ रेक्टस शीट, वो हैं सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेना कमिटेंट्स एंड इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेना कमिटेंट्स। उसके अलावा बात करें नर्व्स की, तो हमारे पास T7 टू T12 जो नर्व्स हैं उनके टर्मिनल पार्ट्स बनाती हैं कंटेंट ऑफ द रेक्टस शीट। तो दो मसल, दो आर्टरी, दो वेन और कुछ नर्व्स T7 टू T12, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो इसमें पॉइंट रह गया वो है फंक्शन ऑफ द रेक्टस शीट। तो रेक्टस शीट हम जब हम मुड़ते हैं ना बीच में से, तो बोइंग में ये मदद करती है रेक्टस मसल को, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाती है, मतलब जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रेक्टस मसल को तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाती है, जिसकी वजह से हम इजीली मुड़ पाते हैं। नेक्स्ट है ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो ऑब्वियसली बात है हमारी जो एब्डोमिनल वॉल है एंटीरियर वाली, उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, ताकि कंटेंट बाहर ना आए, वरना हर्निया वर्निया कुछ भी हो सकता है। तो ये एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को। तो इस तरह से मैंने कवर की हमारी रेक्टस शीट, जिसमें मैंने आपको टोटल 5 चीज़ें बताई हैं, इंट्रोडक्शन, कुछ फीचर्स, उसकी फॉर्मेशन, उसका कंटेंट और उसका फंक्शन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। इससे वीडियो की रीच जो है वो बढ़ती है, आपको सीरियसली बता रहा हूँ, इसलिए सब लाइक करवाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना ताकि वीडियो ज़्यादा आगे तक जा सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।